हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग जानते हैं कोई भी प्लेनर करंट लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, जिसके दो पोल होते हैं, एन पोल और एस पोल, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या जिसे मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं वो है एम वेक्टर इक्वल टू आई ए वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट या फिर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देते हैं। ओके, फिर एक सोलेनोइड। सोलेनोइड भी एक मैग्नेटिक डायपोल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी बहुत सारे सर्कुलर करंट लूप्स हैं। मतलब कि सोलेनोइड जो है वो ढेर सारे सर्कुलर करंट लूप्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, और सभी करंट लूप्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका डायरेक्शन सेम होता है, क्योंकि सब में करंट का जो ओरिएंटेशन है वो एक जैसा होता है। तो इस कारण से नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक सोलेनोइड के केस में आप लोग को मिल जाता है एम वेक्टर इक्वल एन आई ए वेक्टर, जहां पर एन है नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, या फिर नंबर ऑफ करंट लूप्स इन द सोलेनोइड। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड कहिए या फिर नंबर ऑफ करंट लूप्स इन द सोलेनोइड कहिए। ओके, और लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। बार मैग्नेट भी एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है, और बार मैग्नेट में भी सर्कुलेटिंग करंट लूप्स है, ये मैंने कल जस्टिफाई किया था आप लोगों को। ओके, तो बार मैग्नेट जो है वो भी मैग्नेटिक डायपोल है। एक सर्कुलर करंट लूप या कोई भी करंट लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल से दिया जाएगा। यदि एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है तो ये भी जो है एक मैग्नेटिक डायपोल है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो है राइट हैंड थंब रूल से दिया जाएगा। ओके, ये करंट इस तरीके से है और करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कीजिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ओके, और फिर एक सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड, ये भी मैग्नेटिक डायपोल है। ये करंट का ओरिएंटेशन इस तरीके से। तो ये जो सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर है, और इस कारण से इसमें ढेर सारे सर्कुलेटिंग करंट लूप्स होंगे। ओके, और सबका मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में, इस लूप का भी मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में, तो सबके मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है इन सब का सेम सम होता है। ओके, जो कि यदि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, यदि यहां से लेकर के यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन हो तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा एन आई ए। ओके, और फिर ये भी मैंने बताया था कि एक बार मैग्नेट को भी जो है हम लोग एक सोलेनोइड की तरह एज्यूम कर सकते हैं। ओके, सोलेनोइड के जैसा जो है, सोलेनोइड के इक्विवेलेंट है एक बार मैग्नेट, और इसके पास भी सोलेनोइड के जैसा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन भी कल मैंने आप लोगों को एक्सियल फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन भी मैंने कल आप लोगों को डिराइव करके दिखाया था। अब एक फैक्ट आप लोगों को पहले जान लेना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है कॉन्साइड करता है। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कॉन्साइड करता है। ओके, एक बार जस्टिफाई कर ले। यहां पर इस करंट लूप के कारण मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये रहा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। ओके, और यदि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग चेक करना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड भी आप लोग
मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जिसे आप राइट हैंड थंब रूल भी कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपको यही दिखता है, इस पॉइंट पे एक्सिस के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो भी राइट हैंड थंब रूल से, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से यही मिलने वाला है। ओके, बायो सावर्ट लॉ में जो वेक्टर फॉर्म था बायो सावर्ट लॉ का, उसके हेल्प से भी यदि आप चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और यदि आप लोग पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कॉइंसाइड कर जाता है। मैं यहां करके नहीं दिखा रहा हूं, वो आपके लिए मैं एक्सरसाइज छोड़ता हूं। ओके, अब देखिए एक कंपास नीडल की बात करें या फिर एक बार मैग्नेट की बात करें। बार मैग्नेट के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। बार मैग्नेट के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। एक्सटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। लेकिन इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, इसलिए एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर डायरेक्टेड होगा। ओके, याद रखेंगे आप लोग, एक बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर डायरेक्टेड होगा। ओके, अब याद कीजिए, क्लास 10 में आप लोग पढ़े हैं कंपास नीडल क्या है। कंपास नीडल बेसिकली एक बार मैग्नेट होता है जो कि फ्री होता है रोटेट करने के लिए इस तरीके से। ओके, एक बार मैग्नेट, ये इसका एन पोल रहा, ये एस पोल रहा, ये इस तरीके से रोटेट कर सकता है। ओके, तो बार मैग्नेट कंपास नीडल एक बार मैग्नेट ही है जो कि फ्री है रोटेट करने के लिए। ओके, और किसी भी जियोग्राफिकल पोजीशन पे इसे रखा जाए, कहीं भी रखा जाए, तो ये कंपास नीडल जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जो है हमेशा जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर इंडिकेट करेगा और साउथ पोल हमेशा जियोग्राफिकल साउथ की ओर इंडिकेट करेगा। ओके, तो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल हमेशा जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर इंडिकेट करेगा और साउथ पोल हमेशा जियोग्राफिकल साउथ की ओर इंडिकेट करेगा। और कंपास नीडल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्या यूज है कंपास नीडल का, इसका यूज है डायरेक्शन बताना। ठीक है, ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। ओके, जियोग्राफिकल डायरेक्शन बताने के लिए, क्लियर है। हाँ, लेकिन आप लोग ये भी पढ़े हैं कि यदि एक कंपास नीडल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, नॉर्मली एक कंपास नीडल जियोग्राफिकल नॉर्थ जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, लेकिन यदि उसके आसपास कोई स्ट्रांग मैग्नेट इंट्रोड्यूस किया जाए या फिर करंट कैरिंग वायर इंट्रोड्यूस किया जाए या फिर एक करंट कैरिंग सोलेनोइड इंट्रोड्यूस किया जाए, तो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जानते हैं अर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जो कि जियोग्राफिक साउथ पोल से निकलती है और जियोग्राफिक नॉर्थ में इंटर कर जाती है। ओके, तो इस रीजन में, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण, अर्थ के कारण है, जिसका डायरेक्शन है जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर। ओके, लेकिन यदि यहां पर एक स्ट्रांग मैग्नेट रख दिया जाए या फिर यहां पर एक करंट कैरिंग वायर हो या फिर यहां एक करंट कैरिंग सोलेनोइड हो, तब करंट कैरिंग वायर के कारण या फिर जो स्ट्रांग मैग्नेट रखे उसके कारण या फिर सोलेनोइड के कारण इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस जो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हो सकता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल ना हो, उसके साथ कोइंसाइड नहीं करता हो। ओके, तब उस केस में मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाया करता है। ओके, वो जो है एक्चुअल सही डायरेक्शन नहीं बताता है। ओके, अब कंपास नीडल जो है वो भी बेसिकली एक बार मैग्नेट ही है, तो कंपास नीडल को आप चाहे तो कह सकते हैं एक मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, एनी प्रॉब्लम। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप इस टॉपिक को कह सकते हैं एक कंपास नीडल जो कि मैग्नेटिक डाइपोल ही है ना, एक कंपास नीडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल
इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल और उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, उससे पहले जो है मैं नेट फोर्स और नेट टॉर्क के जरा डिवाइस करा दूं। ओके, एक रेक्टेंगुलर करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा था, तो आप लोगों को याद होगा उस पर नेट फोर्स जीरो होता था, उस पर फोर्स नहीं लगता था। ओके, और यदि रेक्टेंगुलर करंट लूप को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट टॉर्क जो है उसके लिए एक्सप्रेशन हमें मिला था टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, जहां पर थीटा मैग्नेटिक मोमेंट एम और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का एंगल है। ओके, दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। सपोज यहां पर एक कंपास नीडल जो है, एक कंपास नीडल जो कि अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है, उसे जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक्सटर्नल फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। ओके, तो इस कंपास नीडल पर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है, इस कंपास नीडल पे टॉर्क एक्ट कर रहा है एम बी साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में इसे आप लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, एनी प्रॉब्लम? हाँ, लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये एक्सप्रेशन जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, यदि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म तो नेट फोर्स जीरो नहीं मिलता, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? यदि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो नेट फोर्स जीरो नहीं मिलता है, उस केस में फोर्स का जो है कुछ भी वैल्यू मिलेगा जो कि नॉन जीरो होगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा वन एंगल बनाते हुए एक कंपास नीडल को या एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखा गया था। ओके, और अब इसे जो है धीरे धीरे इस तरीके से रोटेट किया गया। ओके, थीटा वन से इसे रोटेट करके लाया गया थीटा टू तक, ठीक है? एंगुलर पोजीशन जो इनिशियल एंगुलर पोजीशन था वो था थीटा वन, और फिर इसे रोटेट करके लाया गया थीटा टू पोजीशन तक, यानी जो फाइनल एंगुलर पोजीशन है वो थीटा टू है। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ा, तो आप लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन चूंकि यहां पर टॉर्क जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। जब यहां रहा होगा तो टॉर्क का वैल्यू कुछ और रहा होगा, यहां रहा होगा तो टॉर्क का वैल्यू कुछ और रहा होगा, यहां रहा होगा तो टॉर्क का वैल्यू कुछ और रहा होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में रहा होगा तो टॉर्क का वैल्यू कुछ और रहा होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में रहा होगा तो टॉर्क का वैल्यू कुछ और रहा होगा। तो यहां से यहां रोटेट करने के दौरान टॉर्क जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, टॉर्क जो है वो एंगुलर पोजिशन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू एंगुलर पोजीशन का वैल्यू चेंज करेगा, वैसे वैसे टॉर्क भी चेंज करेगा। इसलिए आप वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते हैं, आपको छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट में छोटा छोटा वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो मान लीजिए कि यहां से हल्का सा डी थीटा डिस्प्लेसमेंट इसमें प्रोड्यूस किया गया, यहां से रोटेट किया गया और इसे डिस्प्लेसमेंट दिया गया डी थीटा। ओके, तो डी थीटा डिस्प्लेसमेंट देने में जो छोटा सा वर्क करना पड़ा वो है डी डब्ल्यू, जो कि होगा एक्सटर्नल टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मैंने लिखा है माइनस डी थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसे रोटेट किया जा रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है। ओके, यदि आप लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, और यदि आप लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। ओके, याद रहेगा? तो चलिए, वर्क डन इज इक्वल टू हो गया टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एक्सटर्नल टॉर्क जो है मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क अप्लाई कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्सटर्नल टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क अप्लाई कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए टाउ एक्सटर्नल को आप लोग माइनस टाउ फील्ड भी लिख सकते हैं, राइट?
अब ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होने पे हो जाता है पॉजिटिव, और मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क अप्लाई कर रहा है उसका वैल्यू है एम बी साइन थीटा, ओके, और इनटू डीटा डी थीटा, ओके। अब यदि हम लोग इसे इंटीग्रेट कर दें, डीडब्ल्यू को थीटा वन से थीटा टू तक इंटीग्रेट कर दें तो हमें नेट वर्क डन पता चल जाएगा। तो हमने डीडब्ल्यू को थीटा वन से थीटा टू तक इंटीग्रेट कर दिया है। डीडब्ल्यू का वैल्यू है एम बी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। एम और बी मैग्नेटिक मोमेंट कंपास नीडल का और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये कांस्टेंट है तो इन्हें आप लोग बाहर रख सकते हैं। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन यदि आप लोग करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है थीटा वन से थीटा टू तक। चलिए अब आप लोग यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए। अपर लिमिट हो गया माइनस कॉस थीटा टू, मैंने यहां लिखा, और फिर माइनस उसके बाद लोअर लिमिट माइनस कॉस थीटा वन, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव हो जाता है तो आपको मिला प्लस कॉस थीटा वन, ओके, और ये माइनस कॉस थीटा टू। तो ये रहा नेट वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। या फिर कह सकते हैं कंपास नीडल। अब देखिए ये मैग्नेटिक डाइपोल के लिए किसी एक पोजीशन को आपको रेफरेंस पोजीशन मानना होगा, ठीक है। हम लोग अपने कन्वेंशन में थीटा इक्वल 90 डिग्री को रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं, ओके। तो कंपास नीडल को रेफरेंस एंगुलर पोजीशन से प्रेजेंट एंगुलर कॉन्फ़िगरेशन तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उतना वर्क जो है इस सिस्टम में स्टोर हो जाता है, और स्टोर्ड एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो चलिए रेफरेंस एंगुलर पोजीशन जो है वो है 90 डिग्री यानी कि पाई बाय टू, ओके। थीटा वन का वैल्यू हो गया पाई बाय टू, तो रेफरेंस एंगुलर पोजीशन थीटा वन का वैल्यू हो गया पाई बाय टू। इससे हम लोग प्रेजेंट एंगुलर कॉन्फ़िगरेशन तक ले जाते हैं, ओके। प्रेजेंट लेवल जिसे लिखा है मैंने थीटा टू इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए, ओके। प्रेजेंट एंगुलर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है थीटा। अब यहां पुट कर दीजिए वर्क डन इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन का वैल्यू पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा टू का वैल्यू थीटा। कॉस पाई बाई टू जीरो, तो आपको क्या मिला वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। अब ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाता है इस सिस्टम में, ओके। इस डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड का जो सिस्टम है इस सिस्टम में ये वर्क जो है स्टोर हो जाता है, ओके। तो इसे हम लोग स्टोर्ड एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, ओके। इसे आप लोग वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ओके। तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या हुआ, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें यदि कंपास नीडल को इस तरीके से रखा जाए, इसका नॉर्थ पोल यहां साउथ पोल यहां, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा का वैल्यू जीरो है, और यदि थीटा का वैल्यू जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा माइनस एम बी कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है वन होता है, तो आपको मिला माइनस एम बी, ओके। उसके बाद यदि कंपास नीडल को इस तरीके से रखा जाए एंटी पैरेलल, नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड
दोनों के बीच एंगल जो है वो यहां पर एंगल जो है वो है पाई, यानी कि एंटी पैरेलल है। ओके, तब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस एम बी कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो आपको क्या मिला एम बी। ठीक है, इस पोजीशन में भी नेट टॉर्क जीरो होगा। यहां पे टॉर्क देखिए तो टाउ इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू है जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, नेट टॉर्क जीरो। यहां टॉर्क पीई साइन पाई, पीई साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू भी जीरो होता है, तो नेट टॉर्क यहां भी जीरो। ओके, नेट फोर्स तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जीरो होगा। यदि एक कंपास नीडल को, एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो किसी भी एंगुलर पोजीशन पर रखा जाए, नेट फोर्स जीरो होता है। लेकिन नेट टॉर्क जीरो तब होगा जब थीटा का वैल्यू जीरो हो या फिर थीटा का वैल्यू पाई हो। ओके, और यदि नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, तो हम क्या कहेंगे, डाइपोल इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लेकिन इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी है, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम बी है। ओके, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ओके, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं अस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, अस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसे हम लोग कहते हैं अनअस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, ये मैक्सिमम कैसे हो गया, ये मिनिमम कैसे हो गया, थीटा का वैल्यू आप लोग पाई बाई टू पुट कीजिए, ठीक है, यानी 90 डिग्री पुट कीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 90, कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो जब थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री है तब पोटेंशियल एनर्जी मिलता है माइनस एम बी, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तब पोटेंशियल एनर्जी मिलता है जीरो, और जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री यानी पाई रेडियन है तब पोटेंशियल एनर्जी मिलता है प्लस एम बी। तो क्लियर है कि इस केस में है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है जब थीटा का वैल्यू पाई हो, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो, और इस कॉन्फ़िगरेशन में यानी थीटा का वैल्यू जब जीरो हो, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, तब पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी मिनिमम मिलता है। ओके, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। क्लियर। अब देखिए, यदि कोई कंपास नीडल या फिर मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अस्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है इस तरीके से, और इसे जो है हम हल्का सा रोटेट करके छोड़ दें, थोड़ा सा एक छोटे से एंगल से रोटेट करके छोड़ दें इस तरीके से, तो ये ऑसिलेट करना शुरू करता है। ठीक है, जैसे ही रोटेट करेंगे तो इस पर लगेगा टॉर्क। ठीक है, टॉर्क लगने के कारण ये वापस अपने कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहेगा, लेकिन अटेन नहीं कर पाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर एक्सटर्नल फील्ड कंसीडर करता हूं, और मान लीजिए ये कंपास नीडल है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये रहा। ओके, अभी ये अस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब एक्सटर्नल एजेंट जो है इस पर वर्क करता है, और वर्क करके ऐसे रोटेट कर देता है। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कंजर्वेटिव नेचर का है, ओके, तो जो वर्क किया गया वो वर्क जो है इसमें अस्टोर हो गया। ओके, जो वर्क किया गया एक्सटर्नल एजेंट के कारण वो वर्क इसमें अस्टोर हो गया। ठीक है, अब इस पर जो है, जब जैसे एक्सटर्नल एजेंट छोड़ता है वैसे ही जो है इस पर मैग्नेटिक टॉर्क लगता है, और मैग्नेटिक टॉर्क लगने के कारण ये ऐसे रोटेट करेगा, और जब यहां से ये रोटेट करता हो वापस यहां पहुंचेगा, तब जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुआ था वो पोटेंशियल एनर्जी ये लूज कर देता है।
पोटेंशियल एनर्जी जब ये लूज करता है तो चूंकि ये कंजर्वेटिव नेचर का है, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये इस पोजीशन पे अस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे रुकता नहीं है बल्कि ये आगे बढ़ जाता है। अब जब ये अस्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन से आगे बढ़ जाता है, इस तरीके से रोटेट कर जाता है, तो फिर से इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। अब वापस फिर से इस पर जो है टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने के कारण फिर ये इस तरीके से रोटेट करेगा, अस्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन में आया, लेकिन यहां आते आते पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया और फिर से काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण फिर यह ऐसे रोटेट कर जाए। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। ओके, हमें इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पता करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो यहां एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां एक कंपास नीडल था, अस्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में था, हमने इसे हल्का सा रोटेट कर दिया, एक छोटे से एंगल से रोटेट कर दिया, ओके, तो इस पर लगेगा एक टॉर्क, और यदि लगेगा टॉर्क तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, टॉर्क कितना लग रहा है, तो टॉर्क लग रहा है इस पर एम बी साइन थीटा। ओके, टॉर्क लग रहा है एम बी साइन थीटा। अच्छा देखिए, यहां पर हमने इसे डिस्प्लेस किया है, ओके, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और टॉर्क जो लग रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ये कंपास नीडल यहां था, हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, हमने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया, एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। अब इस पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क इसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो नेगेटिव लग रहा है, तो यहां पर यूज करेंगे हम लोग माइनस एम बी साइन थीटा। ओके, क्योंकि टॉर्क जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। ओके, अब टॉर्क इज इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ एनर्जिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, टॉर्क अनालोगस है फोर्स के, टॉर्क जो है वो अनालोगस है फोर्स के, फोर्स इक्वल होता है एम इंटू ए वेक्टर, मास का अनालोगस मोमेंट ऑफ एनर्जिया, एक्सेलरेशन का अनालोगस एंगुलर एक्सेलरेशन, और फोर्स का अनालोगस टॉर्क। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आई अल्फा वेक्टर, स्केलर फॉर्म में टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ओके, हम लोग स्केलर फॉर्म में रोटेशन पढ़े थे इसलिए क्योंकि हमें रोटेशन पढ़ना था ऑन ए फिक्स्ड एक्सिस, एक्सिस ऐसे रोटेट नहीं करता था, एक्सिस फिक्स रहता था, उसके लिए जो है हम लोग स्केलर फॉर्म में पढ़ सकते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हमने काइनेटिक्स पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था, तो उसके लिए वेक्टर रूल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, उसी तरीके से यदि हम लोग रोटेशन फिक्स्ड एक्सिस पे पढ़े तो उसके लिए वेक्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, स्केलर फॉर्म में पढ़ा जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग टाउ इज इक्वल टू यानी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा यूज कर सकते हैं। आई क्या है, मोमेंट ऑफ एनर्जिया है जो कि अनालोगस है मास का, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि अनालोगस है एक्सेलरेशन का, तो टाउ के लिए हमने लिखा आई अल्फा। अब यहां से अल्फा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस एम बी अपॉन आई साइन थीटा, और फोर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यदि थीटा का वैल्यू काफी छोटा हो, हम लोग यदि हल्का सा इसे डिस्प्लेस करके छोड़े थोड़ा सा, ठीक है, इसमें जो हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो काफी कम, तब साइन थीटा
अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा के। ओके, तो आपको दिखा क्या, अल्फा इक्वल माइनस एम बी अपॉन आई थीटा। तो क्लियर है, अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव करने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। ओके, यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब पॉजिटिव, तो अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निगेटिव है यानी कि क्लॉकवाइज है। ओके, यहां से ये झटके के साथ रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो झटके के साथ रोटेट करने का मतलब क्या है, उसे एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा है और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब निगेटिव डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया है, लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो निगेटिव डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है। ओके, तो निगेटिव साइन का मतलब ये हुआ। तो देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है और इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। तो क्लियर है, ये एंगुलर एसएचएम का केस है। यदि एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा के यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली पोजिशन हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तब ये एंगुलर एसएचएम का केस होता है। लीनियर एसएचएम में भी ऐसा ही था, यदि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के और ये माइनस साइन लगा होता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है, तब जो है ये किसका केस है, लीनियर एसएचएम का केस है। ओके, चलिए, और ये केस हो गया एंगुलर एसएचएम का। और यदि एंगुलर एसएचएम है तो यहां पर अल्फा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और कुछ नहीं, ओमेगा स्क्वायर होता है, जहां पर ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो देखिए, तो इस इक्वेशन में वापस आइए, इन दोनों इक्वेशन को यदि आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। ओके, तो इक्वेशन वन और टू को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमें दिखता है, हमें पता चलता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। ओके, अब यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आपको मिलेगा रूट ओवर एम बी अपॉन आई, ठीक है, और ओमेगा जो है ये होता है टू पाई न्यू के इक्वल। न्यू का मतलब इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टू पाई अपॉन टी, जहां पर टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, रूट ओवर एम बी अपॉन आई। तो यहां से टाइम पीरियड आपको क्या मिल जाता है, टाइम पीरियड इक्वल आपको मिलेगा 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल या मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये है 2 पाई। ओके, मैं क्लियर लिख दूं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। ओके, कल मैंने बताया था आपको कि एक बार मैग्नेट के कारण उसका जो एक्सियल फील्ड है वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं। सोलेनोइड के कारण हमने कल डिराइव किया था, और बार मैग्नेट के कारण जो है एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है। कैसे पता किया जाता है, इसी इक्वेशन का यूज किया जाता है। एक बार मैग्नेट कंसिडर कीजिए, चलिए यहां पर मैं एक बार मैग्नेट कंसिडर करता हूं, अब इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर आप एक छोटा सा कंपास नीडल रखिए, कंपास नीडल का ओरिएंटेशन ये होना चाहिए। अब इसे जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए, इसे जो है एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने पर जो है, जैसा कि यहां मैंने बताया था,
ये क्या होगा, ऑसिलेट करना शुरू करेगा। ओके अब जो है आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता कर लीजिए, ओके काउंट करके आप एक डिफिनिट टाइम इंटरवल लीजिए टी, और उस टाइम इंटरवल में कितना बार ये ऑसिलेट करता है काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काउंट करने के बाद उस टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ओके तो आपको पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का आप लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता चल जाएगा। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंपास नेडल को रखते हैं और इसे जो है एक छोटे से एंगल से डिस्प्लेस कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद ये जो है ऑसिलेट करना शुरू करता है, ओके अब कोई भी एक डिफिनेट टाइम इंटरवल लीजिए, सपोज आपने 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया। अब आप 10 सेकेंड में काउंट कीजिए नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, सपोज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एन मिलता है, ओके तो 10 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन है, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा एन अपॉन 10, और 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, है ना। 1 सेकेंड में ये जितना बार ऑसिलेट करेगा इसे क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी, राइट। और फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल है उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, ओके। अब इस कंपास नीडल के लिए आपको मोमेंट ऑफ एनर्जिया पता होगा, इस कंपास नीडल के लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता होगा, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये टी आपको पता है, 2π तो कॉन्स्टेंट है ही, और मोमेंट ऑफ एनर्जिया कंपास नीडल के लिए पता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी पता है, तो क्या इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है, ये बिल्कुल। तो एक्सपेरिमेंटली एक बार मैग्नेट के कारण जो फॉर एग्जाम्पल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है इसी मेथड से हम लोग पता करते हैं, ओके तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।